के पढ़ते ही मुझे लग गया था कि यही मेरे गुरु हैं और ये जो बता रहे हैं मुझे यही करना है। चाहे पुनीत सर हो, चाहे आप हो, चाहे विश्वकाल सर हो, चाहे विशी सर हो, सर आप लोग के सर मैंने कोई बाहर की पढ़ाई की ही नहीं। हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस बार जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो काफी सारे लोगों को सफलता मिली और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन सफलताएं थी। तो आज उन्हीं में से मौजूद एक शख्स हमारे बीच में मौजूद है जिनके पास एक नहीं, तकरीबन तीन जॉब है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? तो यस बताइए सर। अपना नाम और कौन कौन से बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ इस साल, बताइए। ओवर टू यू। माय नेम इज श्रेया जायसवाल और मैंने RRBPO में आर्यव्रत बैंक मुझे मिला है, IBPS क्लर्क में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मिला है और SBI क्लर्क मिला है। क्या बात, तीन तीन बैंक आपके पास हैं। अब आपके पास चॉइस है, आप कौन सा बैंक ज्वाइन कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियसली आप RRBPO ही ज्वाइन करेंगे। यस सर। ऐसे एक ऑप्शन ऐसा भी होना चाहिए कि मान लीजिए मैंने तीन एग्जाम क्रैक किए हैं तो बाकी दो मैं किसी को दे सकता हूँ मेरे मन के हिसाब से। होना यस सर, मेरा चाहिए, भाई है भी कह ना? रहा था कि दे दो। यस सर। क्योंकि जिन बेचारों का नहीं हुआ उनको बड़ा खराब लगता है कि हमारे पास एक भी नौकरी नहीं आई, और किसी किसी बच्चों के पास तीन तीन चार चार जॉब है। तो मतलब एक ऐसा ऑप्शन सरकार को रखना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास चॉइस है, या फिर कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो रिजर्व कैटेगरी में, या फिर जिनका नंबर इस बार, लास्ट ईयर इनका रिजल्ट आएगा, उनकी रिजर्व कैटेगरी तुरंत निकल जानी चाहिए, हमें यस सर। वेट ना करना पड़े। चलिए तो बताते हैं आपके बारे में। सबसे पहले आपने बताया तो सक्सेस जर्नी आपकी हम शूट कर रहे हैं, और कब से तैयारी करना स्टार्ट किया था आपने श्रेया? 2021 से। यस 2021 में। और सर। उससे पहले आपने मतलब कैसे मन में विचार आया कि बैंक ही करना है, या किसी ने मोटिवेट किया था कुछ? नहीं सर, एक्चुअली क्या कहते हैं, 9th क्लास में मैंने पहली बार बैंक विजिट किया था तो मुझे बैंक बहुत ज्यादा पसंद आया था और अरे वहां पे मैनेजर सर से मिल गई थी तो वो मतलब ऐसे 9th क्लास थे, बच्चे थे तो कहे कि आ जाओ तुम भी बैंक में, आ जाओ तुमको AC रूम मिलेगा। फिर तब से ऐसे और ऐसे काम करने को मिलेगा, अच्छा अच्छा मजा आएगा। तो फिर सर तब से दिमाग में था कि बैंक में ही जाना है और फिर उसी हिसाब से पढ़ाई की ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ तुम्हारा? तो सर, August 2021 में सर, मतलब मुझे लगता है कि अभी क्या एज होगी आपकी? 22। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत यंग एज में आपने मतलब अपने पैरों पे कामयाबी ले ली, बहुत अच्छा। तो कॉलेज कंप्लीट हुआ, जस्ट तैयारी करने आप आ गए, तो मेरे ख्याल से फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका शायद ये। यस सर, सर सारा ही फर्स्ट बहुत अटेम्प्ट बढ़िया, था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया श्रेया। तो मुझे यार ये बताओ, थैंक तुम्हारी वीडियो को देख के तो काफी लोग मोटिवेट हो जाएंगे कि पहले अटेम्प्ट में एग्जाम कैसे क्रैक किया तुमने, बताओ जरा एक बार। सर। मैंने सर आंख पहले तो मैंने कुछ नहीं किया, आंख बंद करके आप लोग पे विश्वास किया क्योंकि अच्छा, मुझे मतलब आप से पढ़ते ही मुझे लग गया था कि यही मेरे गुरु हैं और ये जो बता रहे हैं मुझे यही करना है। चाहे पुनीत सर हो, चाहे आप हो, चाहे विशाल सर हो, चाहे विची सर हो, सर आप लोग के सर मैंने कोई बाहर की पढ़ाई की ही नहीं। जैसे आप लोग जो क्लास में पढ़ाते थे, आप लोग का सर जो पढ़ाई सर आप मतलब कि जो क्लास लेते थे उसमें जितने क्वेश्चन रहते थे और आप PDF देते थे सर, मेरे लिए वो सफिशियंट थे, मतलब प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए। बहुत मैंने बढ़िया, आपके मतलब आप जितनी क्लास लेते थे कम से कम 10 नहीं 20 बार सर एक-एक क्वेश्चन सॉल्व किया, बहुत एक-एक बढ़िया। क्वेश्चन कि मेरे मतलब अगर मान लीजिए मैं ये भले ही वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो, अब मेरा एक बार लगा देते तो टारगेट रहता था कि 30 सेकेंड में करना है, अब करना था 15 सेकेंड में करना रहता है, वही ऐसे रिपीट वही क्वेश्चन सर रिपीटेडली सॉल्व करते थे लेकिन और कहीं से बाहर नहीं गए, ऑफिसर मॉप देते थे बस बिल्कुल, मैं सर, आपको एक और बात कोई बताता हूँ। स्कूल की। नहीं, मैं आपको एक आपकी बात से मुझे एक बात और याद आ गई कि द्रोणाचार्य जब सबको शिक्षा दे रहे थे, कौरव और पांडवों को, तो उनमें से अर्जुन सबसे धनुर्धरी निकला। तो लोगों ने पूछा कि भाई अर्जुन ने इतना ज्यादा ज्ञान कैसे प्राप्त किया, भाई सबको दोनों ने इक्वली ज्ञान दिया था। तो अर्जुन ने एक बात बोली कि मुझे मेरे गुरु पे विश्वास था। उन्होंने यस सर। सर वो जो एकदम तो सर आप उन्होंने जो सर बताया मैंने एक वो फॉलो किया, और आज मैं इतना बड़ा धनुर्धरी बन गया। तो वही मुझे आपकी बात से भी लग रहा है। यस सर, सर और कुछ नहीं किया मैंने, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया मैं, मतलब मेरे अगल बगल भी कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे तो मतलब उनका काफी समय हो गया, 2 साल 3 साल हो गया और फिर मुझे मतलब वो लोग कहें कि तुम्हारा एक बार में कैसे क्लियर हो गया, हम कहें पता नहीं, हम तो अपने बस गुरु को फॉलो करते रहे, वो लोग जो पढ़ाए हम पढ़े हैं और हम शायद थोड़े अच्छे से पढ़े डेडिकेशन के साथ सर, कंसिस्टेंसी भी की होती है, मैं बच्चों को देखती हूँ वो बिल्कुल लोग पढ़ते हैं
एक दिन पढ़ेंगे फिर दूसरे दिन छुट्टी मनाएंगे और फिर घूमने फिरने चले जाएंगे। तो सर वो मेरी 1 साल की जर्नी में कभी नहीं हुआ, मैं 1 साल में सिर्फ पढ़ाई की हूँ, सिर्फ पढ़े हैं। और मैंने आजकल ऐसा भी देखा है कि जब बच्चे प्रिपरेशन करने आते हैं, जब वो कोई कोर्स खरीदते हैं तो उनको लगता है कि हमने सब कुछ खरीद लिया। वो ये सोचते हैं कि कोर्स खरीदने का मतलब सिलेक्शन है। मैं कितनी बार बोलता हूँ, आप एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। आप जितनी बार पढ़ेंगे, आप ये पढ़ाई जो कर रहे हो ये अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं यार। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो? यस घर में कौन कौन लोग हैं आपके? सर, मेरे घर में मतलब 5 लोग हैं, मेरे डैडी, मम्मा, मेरी बड़ी बहन, हम और मेरा छोटा भाई। पापा क्या करते हैं आपके? अच्छा, मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मम्मा तो होममेकर हैं और बड़ी बहन डॉक्टर है। तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन जब हुआ, आपके आरआरबी में बहुत पहले भी हो गया था, आपने किन को बताया सबसे पहले? सर जैसे आए कि सर मेरी एक गंदी आदत है कि हम रिजल्ट छुप के देखते हैं, मतलब चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो कि फाइनल, जब छुप के देखते हैं कि मतलब कि हमको नहीं बताना है, रिजल्ट आ जाएगा फिर सबको खुशियां बांटेंगे। फिर उसके बाद आया रिजल्ट, गए मम्मा मेरा हो गया, तो सर मम्मा रोने लगी थी, अरे डैडी वाह, डांस करने लगी से कि अरे वाह मेरी बेटी का पहली बार में हो गया, मतलब सर वो अलग ही खुशी थी सर। मतलब हम फिर अपने रिजल्ट की हमको उतनी खुशी हुई नहीं जितना अपने पेरेंट्स के मुंह पे स्माइल देखती हुई सही बात है, सही बात। और सर। आजकल मैं बताता हूँ कि वो दिन हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन दिन होता है फिर। सबसे खूबसूरत, मतलब शायद मेरी पढ़ाई मेरी मेहनत सब सफल हो गई थी उस सब दिन। सब सही कहा आपने, मतलब कि वो जो दिन होता है ना, जब आप, और मैं आपको बताता हूँ और अच्छा आपको कब लगेगा, जब आपकी पहली सैलरी आएगी। अभी ज्वाइन कर लिया आपने आरआरबी? नो सर, अभी जॉइनिंग अप्रैल एंड में। आप ज्वाइन करना, जब आप पहली सैलरी से अपने घर वालों को कुछ गिफ्ट दोगी, आपको उस दिन भी बहुत मजा आएगा। यस सर, तो कैसे आपने ये जर्नी तय करी, बताइए। आपका सब्जेक्ट कैसे कैसे, मैथ्स आपने, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कैसे कैसे प्रिपेयर किया? कोई खास स्ट्रेटेजी आपकी, या फिर आप मतलब कितने घंटे दे एक दिन में, सब बताइए। ठीक दिन में तो मेरा 8 से 9 घंटे हो जाता था, मॉक टेस्ट इंक्लूड करके, चाहे प्रिलिम्स है, प्रिलिम्स का मॉक में हम डेली देते थे और मेंस का वीकली देते थे। बहुत बढ़िया। हर वेनेसडे हम मेंस का मॉक रखे थे कि वेनेसडे को मॉक मेंस का देना है, और पूरे, और भले ही मेंस का मॉक हम उस दिन दिए लेकिन हम प्रिलिम्स का भी उस दिन देते ही थे, तो अच्छा, मेरा प्रिलिम्स का मॉक वीकली चलता था। और ओके। सर रीजनिंग के लिए पुनीत सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि फिर और कोई पीडीएफ या सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप उनके बिल्कुल, सेक्शन 10 बार सॉल्व कर सकते हैं। और सर टारगेट देते थे कि दो 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 मिनट में बच्चे पजल सॉल्व कर रहे हैं, तो सर टाइमर मोबाइल में लगा के वो हम करते थे कि दो दो मिनट में पजल सॉल्व करनी है, 2.5 मिनट में। और सर अर्थमेटिक में, DI में भी हम यही करते थे कि सही सर बात है। आप जितना क्वेश्चन के ये रहते आप दिए रहते थे PDF में, और जो इतना पाई चार्ट या किसी भी DI होती तो सर उसको भी हम प्रीलिम्स का 2.5 मिनट में करने की कोशिश करते बहुत थे बढ़िया, टाइमर लगा के, क्योंकि सर सिलेक्शन लेना था, मतलब मेरा गोल था कि लेना ही लेना है सर। ओके ओके। मैथ्स में भी यही किए थे, आप जितनी सिंप्लीफिकेशन से लेकर हर टॉपिक में हम एक-एक टॉपिक, सर एक टॉपिक हम 2 दिन चलाते थे, जैसे भले ही वो सिंप्लीफिकेशन हो लेकिन हम 2 दिन उसको 2-2 घंटे देके 2-2 दिन करते थे, और ओके, फिर जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता था फिर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते थे। तो मतलब कि अगर मेरे साल में 1 महीने में पूरा से मतलब कि 20 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट होने लगा था धीरे धीरे, तो सर पूरे साल हम यही किए हैं कि एक बार पूरा टॉपिक कंप्लीट की हो गया है, फिर उसके बहुत बाद आपकी नई बैच आती थी, नई बैच से पूरा टॉपिक स्टार्ट करते थे, फिर नई बैच आती थी, नई बैच से पूरा टॉपिक स्टार्ट करते थे। कितने बैच किए तो आपने सर मेरे? अरे सर बहुत किए होंगे, लगभग 10-15 बैच कर लिए होंगे सर, बाप रे, जितने बैच कर डाले थे, क्योंकि सर कुछ काम मतलब कि पढ़ाई के अलावा इस समय मेरी जिंदगी में कुछ नहीं था, मेरा मेन फोकस पढ़ाई और सिलेक्शन लेना था कि बिल्कुल। सबको प्राउड कराना है हमें, मतलब ये जो एनर्जी तो फिर होती पढ़ाई है, पढ़ाई पता है श्रेया, मैं से। देख पा रहा हूँ अभी, और बहुत सारे बच्चों में यही एनर्जी नहीं रहती है। आपने जैसे बताया ना कि आप 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो ये 8-9 घंटे आप मजबूरी में नहीं पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में एक लक्ष्य है कि मुझे पाना है, बस मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। ये सर मेरे लिए मतलब कि अभी सिलेक्शन जब हो गया था तो फिर एक दो लोगों ने पूछा कि आप डिमोटिवेट नहीं होते हो, आप
आप कैसे इतना कंटिन्यू कर लिए आप, मतलब हम तो एक दो दिन पढ़ के डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो फिर मैंने यही कहा कि नहीं, मुझे अल्टीमेटली अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना था और सेलेक्शन लेना था, तो फिर मैं क्यों डिमोटिवेट होना है हमको, जब मेरा गोल क्लियर है, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में सब कुछ है कि हमको ये पाना है, तो फिर क्यों ही डिमोटिवेट होना है। बहुत बढ़िया। मतलब आपकी उम्र थोड़ी कम है लेकिन आपके पास जज्बा और आपके पास जो कहते हैं ना काबिलियत है वो बहुत ज्यादा है। बहुत थैंक यू बढ़िया, अच्छा लगा मुझे सर। आपसे बात करके। कोई सजेशन आप देना चाहेंगे, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया इस वीडियो को, बहुत सारे लोग होंगे जो देख रहे होंगे और वो भी उनका पहला एग्जाम होगा इस साल, अब स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम, उन्हें आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि भाई ये तुम करो तभी सिलेक्शन होगा? सर यही एडवाइस देंगे कि कंसिस्टेंट रहें, अपने आप से ट्रुथफुल रहें, क्योंकि अगर आप अपने आप से सच्चे नहीं रहोगे तो फिर क्या ही, मतलब कि अपने आप को धोखा नहीं देना है। आप पढ़ रहे हो, आप भले ही 6 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, लेकिन वो पढ़ाई आप अपने लिए करो, आप एकदम सच्चाई के साथ वो 5 घंटे दो अपने आप को और कंसिस्टेंट रहो, सिलेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि सर हम भी कोई खास तो है नहीं कि, मतलब क्योंकि सर हम एवरेज स्टूडेंट रहे हैं ग्रेजुएशन से, मतलब हम कोई टॉपर नहीं रहे हैं कभी भी, तो सर बढ़िया, मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो सबका हो सकता है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपके दिल और मतलब जुनून और जज्बा है कि ये मुझे कुछ पाना है अपनी जिंदगी में, तो फिर सर सबका हो जाएगा। सही बात बोली। मतलब आपकी इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी लाखों एस्पिरेंट होंगे उनके अंदर एनर्जी आ जाएगी, और मुझे लगता है जो लोग इस वीडियो को देखें ना भविष्य में डाउनलोड करके सेव कर ले और हमेशा सुने। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं आपने और मतलब मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने बहुत सारे इंटरव्यू किए और एक पहला इंटरव्यू ऐसा लगा जिसमें मतलब कोई बंदा इतना फोकस स्टडी है, मतलब बहुत फोकस हो आप मतलब अपने गोल को लेकर। ग्रेट, चलिए थैंक यू सर। तो अब यहाँ पे जर्नी सर स्टॉप हो अब गई कि और भी एग्जाम तैयार करने हैं अभी? नेक्स्ट टारगेट RBI ग्रेड भी रखा है। तो टेंशन मत लो, उसमें जो भी दिक्कत लगे तुम्हें, तुम्हारा मेरा नंबर तुम्हारे पास में, कोई भी समस्या हो तुम बताना, कोशिश करेंगे उसको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे। थैंक यू सर। सर चलिए आप लोग की मेहनत, सर आप लोग के गाइडेंस के बिना नहीं हो पाता, मतलब आप लोग जितना मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं इतना, मतलब सर आप लोग की इतनी वीडियो है, आप हर कदम पे मोटिवेशन करते हैं, मतलब इंसान डिमोटिवेट भी हो तो सर आप लोग की गाइडेंस से हम होते थे कि देखो सर पढ़ा तो रहे हैं आप। सर आप जब 6 बजे उठ के सुबह पढ़ाते थे ना, तो फिर वही हमें लगता था कि जब 6 बजे सर उठ के पढ़ा सकते हैं, उनका क्या ही फायदा है, हम क्यों नहीं 6 बजे उठ के पढ़ सकते हैं, रात में बिल्कुल सर मैम, 10-11 तक पढ़ाते हैं, तो हम क्यों नहीं उतना पढ़ सकते मैंने हैं। सुबह 6 बजे स्टार्ट इसलिए किया था, मैंने बच्चों को टास्क दिया था कि सुबह 6 बजे उठो और सुबह सुबह नींद आती है तो आप सुबह सुबह स्पीड मैथ्स लगाओ, सिंप्लीफिकेशन नंबर सर सीरीज मॉर्निंग में ही लगाओ। सर उससे मोटिवेट होके हम 6 बजे आपके उठ जाते थे कि जब सर 6 बजे उठ जाते हैं तो कि हम क्यों नहीं उठ सकते हैं, हम भी उठेंगे, हम भी 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। अब ये बताओ मिठाई का डब्बा आपके कब भिजवाओगे? सर आप अपना एड्रेस दे दीजिए, भिजवा देंगे तुरंत। बिल्कुल नहीं, जब आपकी पहली सैलरी आए, मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका सिलेक्शन है सबको बोला है जो आपकी पहली सैलरी आए ना उसमें से भिजवाएगा, मुझे भी खुशी होगी और आपको तो और खुशी होगी। सर आप सबको भजाएंगे, आपको, पुनीत सर को, विशाल सर को, अभिजीत सर को, सबको, क्योंकि सर सबका सपोर्ट है रहा है एकदम। और कोशिश करेगा पहली सैलरी से जितने लोग आपके जीवन में जिनको जिनको आप जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है उन सब भी यस कुछ ना कुछ दीजिएगा। सर, सर माँ बाप का ही हक है पूरा। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, और आगे आपको जो थैंक भी दिक्कत लगे भविष्य में कोई भी दिक्कत हो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।